से हम का कही वही सब बुलाए। हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक नए जॉब के बारे में बताने वाला हूं, एक नए नौकरी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको भी जॉब की जरूरत है और जॉब आपको नहीं मिल पा रही है, आप यहां वहां गेट पे जा रहे हो लेकिन आपको मना कर दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि यहां पे अभी हायरिंग नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनका दिल टूट जाता है और वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन मैं नौकरी की वजह से आप सभी को दुखी नहीं होने दूंगा। मैं खुद आपके साथ में खड़ा हूं, जब तक सभी भाई को रोजगार नहीं मिलता मैं सभी के लिए काम करूंगा, सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि नोएडा में कहां पे हायरिंग है कहां पे नहीं है, या फिर हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो अहमदाबाद में गुजरात में काम करना चाहते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना वो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक नई जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, एक नए वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप अहमदाबाद के अंदर हैं, गुजरात के अंदर हैं, कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो अहमदाबाद और गुजरात में हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊं, उनको भी बताऊं कि आखिर नोएडा में या अहमदाबाद में जॉब कैसे मिलेगी, प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो बने रहना शुरू से लेके एंड तक, स्किप मत करना, आधा अधूरा वीडियो मत देखना। अगर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी और ना ही आपको जॉब मिलेगा। इसलिए कहता हूं जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं यही चाहता हूं कि बस सभी भाइयों को रोजगार मिल पाए, बस हमारी एक पहल है और इसमें आप सभी भाइयों का साथ चाहिए। अगर सभी भाइयों को साथ देंगे तो उम्मीद करता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब सभी भाइयों के हाथ में रोजगार होगा, 20,000, 25,000, 30,000 की महीने की इनकम उनकी होगी, बस हमारी पहल है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पहल में आप सभी लोग हमारा साथ देंगे। तो आज का जो लोकेशन होने वाला है वो होने वाला है कड़ी अहमदाबाद का होने वाला है। कंपनी का नाम है हिटाची। जी हाँ दोस्तों, हिटाची कंपनी का नाम है और ये अहमदाबाद का लोकेशन होने वाला है। कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांडेड MNC कंपनी है, आप सभी को पता होगा और आप सभी ने नाम भी सुना होगा। किसके थ्रू आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाला है, ये SSPL के थ्रू आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाला है। आप सभी लोगों ने कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो देखी होगी कि HY का, वहाँ पे जितेंद्र जी होंगे जो सभी को रोजगार दिए थे, जितेंद्र जी के HYC 39 फेज 2 नोएडा। तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे जी हमारी वीडियो में, जब वीडियो में वो आए थे, जितेंद्र जी थे, उनकी काफ़ी वीडियो चली थी, उनके माध्यम से काफ़ी लोगों को रोजगार मिला था। जो भी मेरी वीडियो देख कर जाते थे उन सभी को रोजगार वो देते थे, तो ऐसे में क्या बड़ी खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। चलिए कोई बात नहीं, हमारे कम से कम एक हमारे भाई है जितेंद्र जी, जो कि हमारे लिए यही काम करते हैं, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए काम करते हैं। तो SSPL कंपनी का नाम है, ठीक है। आपको सूचित किया जाता है कि हिटाची कंपनी में लड़कों की काम करने हेतु आवश्यकता है। रिक्वायरमेंट कैंडिडेट की अगर हम बात करें, 200 कैंडिडेट की इसमें जरूरत है लड़कों की। डिपार्टमेंट होने वाला है प्रोडक्शन का और इसमें जो बनती है रेफ्रिजरेटर बनती है इसमें। सैलरी अगर हम बात करें, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। मैं अगर आपको बता दूँ तो जैसे 12th वालों की जो 12th एंड ग्रेजुएशन, देखो हमारे कुछ ऐसे भाई थे जो ग्रेजुएशन वाले ही बता रहे थे, भाई एक हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने आज कमेंट भी किया था, नाम उनका नहीं याद रहा है, UPSC करके कुछ ऐसे हैं हमारे भाई। और वो क्या है ना कि हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो हाथ जोड़ के सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट इसरार A2Z पे दिखाते रहिए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 12th एंड ग्रेजुएशन वालों की जो सैलरी होगी CTC होगी 15,440 रुपये से लेके 16,680 रुपये 8 घंटे की होगी, ठीक है। ITI वालों की जो सैलरी होगी CTC होगी 15,808 से लेके 17,400 रुपये तक। इन हैंड जो सैलरी आएगी वो आएगी 10,502 से लेके 11,952 रुपये तक, ठीक है। डिप्लोमा वालों की जो सैलरी होगी वो होगी आपका CTC जो होगा 17,431 रुपये होगा, इन हैंड आपको मिलेगा 11,978 रुपये, मतलब 12,000 मान सकते हैं। जो BE इंजीनियरिंग कर रखा है CTC 18,505 रुपये होगा, इन हैंड 13,000 रुपये उनको दिया जाएगा। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कंपनी क्या क्या सुविधाएं आपको दे रही है, ये सभी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे लंच डिनर का जो करता है वो लंच का 50 रुपये करता है, यार ज़्यादा ले रहा है भाई, इतना नहीं लेना चाहिए 50 और बाकी कंपनियों में 13 रुपये 14 रुपये हद्दी अद्दा 20 रुपये ले लो यार, 50 रुपये पर कोई बात नहीं, फिर भी अगर हमें अच्छा खाना मिल रहा है तो 50 रुपये भरपेट अगर खाना मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी कंपनियों के साथ ज़्यादा है बट ज़्यादा नहीं है अगर हमें भरपेट खाना ये दे रहे हैं तो। अगर हम दोस्तों ओवर टाइम की अगर बात करें तो 101 रुपये पर आवर्स, अगर आप एक घंटे करते हैं तो 105 रुपये आपको मिलेगा, 105 रुपये पर आवर्स। अगर आप एक घंटे करते हैं तो 105 रुपये मिलता है आपको, अगर 2 आवर्स करते हैं तो 210 रुपये मिलता है, मतलब एक घंटे का 105 रुपये के हिसाब से आपको जोड़ कर दिया जाएगा। रूम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो रूम फैसिलिटी फॉर 7 डेज ओनली फ्रॉम SSPL। जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पर जाते हैं, सैलरी आफ्टर 3 मंथ 20 के 25
देखिए अगर आप जाते हैं तो जो रूम की फैसिलिटीज होती है वो SSPL वाले प्रोवाइड करा देते हैं 7 दिन के लिए, है ना। उसके बाद शायद आपको कुछ भी लेना पड़ता है। रूम फैसिलिटी फॉर 7 डेज ओनली फॉर SSPL। जो भी SSPL जो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ SSPL कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जिनकी भी जिनको भी जॉब मिलेगा उनके लिए रूम अवेलेबल रहेगा 7 डेज के लिए, ठीक है, उनके लिए रहेगा। सैलरी आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 20,000 से 25,000 इस पर योर स्किल्स। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहा, काम आप अच्छे करते हो, जो सीनियर की बात सुनते हो, जो कहते हैं करते हो आप, है ना, मतलब वो सारे रूल्स फॉलो करते हो, तो आपकी जो सैलरी होगी 20 से 25 हज़ार रुपये यहाँ पे मेंशन है। योग्यता की अगर हम बात करें, क्या क्या योग्यता इसमें चलेगा, 10-12 ग्रेजुएशन एंड ITI डिप्लोमा, BTEC, BE इंजीनियरिंग, सभी प्रकार के यहाँ पे क्वालिफाइड बच्चों को, क्वालिफाइड कैंडिडेट को यहाँ पे हायर किया जा रहा है। बेसिक इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए। बेसिक तो आजकल सभी को आ रहा है ना, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश वही होती है जिसमें आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए, उसी को बेगली बेसिक इंग्लिश आता है कहते हैं, जिसको मतलब जहीं कहीं भी इंग्लिश अगर लिखा हो तो हम आराम से उसको बिना रुके पढ़ सकें, उसी को हमें बेसिक कहते हैं, है ना। तो ये जैसे कि मैं आपको बता दूँ, बेसिक इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए। आयु जो एज है क्राइटेरिया, जो आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 29 होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए 100 किलोमीटर, अहमदाबाद से जो आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए वो मात्र 100 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 100 किलोमीटर दूरी कैंडिडेट को ये कंपनी हायर करती है। हर जगह यही सिस्टम चल गया भाई, लोकल को क्यों नहीं लेते यार। कोई नहीं, हम और सतीश बहुत जल्द इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत जल्द हम नोएडा चलेंगे, उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे यार। क्या ही है यार, क्या कैंडिडेट वहाँ काम नहीं करना चाहते, फैमिली परिवार उनका पेट नहीं है, उनकी इच्छाएं नहीं है। न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो 100 किलोमीटर होनी चाहिए। इंटरव्यू का जो समय है मैं आपको बता दूँ, 8 से 10 बजे तक है। जी हाँ दोस्तों, 8 से 10 बजे तक है, तो आप आराम से जा सकते हो, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। सुबह 8 बजे गेट पे आप पहुंच जाना। पूरा एड्रेस जो है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा और साथ ही साथ मैं कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी यहाँ पे देने वाला हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंटरव्यू जो डेट है वो 5 दिसंबर 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 5 से अगर नहीं हुआ तो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 6 दिसंबर से जब स्टार्ट हो जाएगा तो चलेगा कम से कम 10 दिन तक इसमें हायरिंग चलेगी। जो भी हमारे भाई कैंडिडेट इच्छुक हैं काम करना चाहते हैं वो अहमदाबाद कड़ी, जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद कड़ी में जा सकते हैं और यहाँ आपको जॉब मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है मेरी। और ये जो जॉब है फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी जॉब दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं होता। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, और नहीं तो अगर स्क्रीन पर नहीं लगाऊंगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जब दूंगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। बड़ा ही मेहरबानी, हाथ जोड़ के सभी भाई उसे निवेदन है कि मैंने यूट्यूब पे एक नया चैनल क्रिएट किया इस रियल ब्लॉग के नाम से, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना मेहनत करता हूँ भाई, आप लोग कभी फर्ज है सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता। यहाँ पे जितेंद्र जी है, जितेंद्र जी का जो नंबर है वो मैं आपको बता दूँ, 9599 74, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता दूँ तो आपको समझ में नहीं आता, मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, शिवम जी हैं, अंकित जी हैं, आशीष जी हैं, टिंकू भास्कर जी हैं, 1 2 3 4 टोटल 5 यहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्टर हैं, सभी मतलब एक ही ग्रुप के हैं SSPL के, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी जो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर किया करो आप, क्योंकि लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, हमें पता चलता है कि हम कितनी अच्छी वीडियो बना पा रहे हैं। अभी आज JBM कंपनी में करीबन 21 लोगों की हायरिंग हुई है। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा वो JBM के थे, JBM में मैंने कहा, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया तो मैंने उनसे कहा था भाई एक छोटी सी क्लिप बना के भेज दो, जिससे कि मैं वीडियो की स्क्रीन पे लगा पाऊँ, लोगों को पता चल पाए कि जो हम जॉब बताते हैं सभी सब रियल होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज कोई भी फेक नहीं होता, जो भी होता है सब 100% शुद्ध प्योर होता है। तो उन्होंने, अनिल जी थे, उन्होंने मुझे बना के भेजा। तो जैसे यहाँ पे भी सभी को जॉब मिलता है ना, जैसे ही जॉब मिल जाएगी सभी, तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा क्लिप मंगवा लूंगा जिससे कि मैं स्क्रीन पे लगा दिया करूंगा, जिससे कि आप सभी को संतुष्टि हो पाए। और एक बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, गर्म कपड़े लेके जाने हैं, स्वेटर हो गया, ब्लैंकेट हो गया, आपका जूते हो गए, ये सब आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि अनजान शहर जाने के बाद ना कोई किसी का नहीं होता, समझ लो आप बात को। अगर किसी के पास एक ब्लैंकेट है तो अपने के लिए सोचेगा ना कि आपके लिए, मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ हमारे ऐसे भाई होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचते हैं, किसी पर भरोसा ना करें, स्वयं खुद की जिम्मेदारी, खुद की सुरक्षा आपके हाथ में है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गर्म कपड़े आपको साथ में लेके जानी है, और कुछ पैसे हाथ में लेना, 1,000 1,500 2,000। देखो बाहर अगर जाते हैं तो इतना तो पैसे हाथ में होने चाहिए, 1,500 2,000 3,000, जिससे कि हम बैकअप रख सकें 1 महीने के लिए, क्योंकि कंपनी तो हमें तुरंत पैसा नहीं देगी ना, हम गए ज्वाइन किया, कम से कम 20 दिन हम 15 दिन काम करेंगे तब हम 1,500 रुपये ले सकते हैं उनसे, अदरवाइज हम 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, 10 दिन काम करेंगे, तो भाई जो बैकअप होना चाहिए ना हमारे पास, खाने के लिए अलग कैंटीन दे रही है, 50 दोपहर का तो खाना दे रही है, लेकिन आपको शाम का खुद का करना पड़ेगा, 50 रुपये कंपनी काटती है, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो में आपको काफी पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके भाई इसरार ने एक और चैनल बनाया है इसरार रियल ब्लॉग के नाम से। वो चैनल मैंने इसलिए बनाया है जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी, जैसे हिटाची हो गए, और जैसे मल्टीनेशनल कंपनी ओप्पो वीवो सैमसंग हिटाची आपका हो गया, यामाहा हो गया, होंडा हो गया, वीवो हो गया, ऐसी कंपनियों की जो अपडेट रहेगी ना वो आपसे मैं उसी चैनल पर डाला करूँगा, जिससे आप सभी लोगों को रोजगार के बारे में पता हो और आप सभी को रोजगार मिल जाए, ठीक है। और जो मैंने इसीलिए मैंने चैनल बनाया और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस आर्टिकल ब्लॉग के नाम से, तो आप सभी भाई से हाथ जोड़ के निवेदन है प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं करते, बट आप जीबी तो खत्म ही कर रहे हो, तो थोड़ा अपने भाई के लिए थोड़ा देख लो यार, इधर भी ध्यान कर, इतना मेहनत कर रहा है तो भाई आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। जिस दिन हमें फुल सपोर्ट मिलने लगा आप सभी का, उस दिन नोएडा के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। मैं खुद मैंने ये प्लान किया है कि नोएडा के अंदर हम खुद एक रूम वगैरह ले लेंगे, दो तीन तो कमरा रहेगा उसमें, और जो भी हमारे भाई एक दो दिन आके रुकना चाहते हैं, कुछ पीपल कैंडिडेट तो ऐसे होने, कुछ कैंडिडेट क्या सारे ऐसे ही कैंडिडेट हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, इस वजह से नहीं आ रहे। तो ये जो उनकी प्रॉब्लम है मैं दूर करूंगा, दो चार दिन अपना रह लेंगे, उसके बाद जब नौकरी लग जाए फिर अपना रूम लेके फिर वो वहाँ से चले जाएंगे, फिर नए बंदे आएंगे, फिर नए बंदों का जॉब मिल जाएगा, फिर रूम लेके फिर वो चले जाएगा, फिर नए बंदे आएंगे, फिर उनको भी रूम रखेंगे, फिर ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जेन्युइन ईमानदारी से भाई, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है ना हर तरीके के लोग होते हैं, उसमें सिर्फ आपके भाई का लॉस होगा। तो मिलते दोस्तों नई वीडियो नई नौकरी के साथ, रखिए अपना ख्याल, नई वीडियो में तब तक के लिए बताएं।